हेलो फ्रेंड्स, आरंभ। जी हाँ दोस्तों, आईआईटी जेई की कैटेगरी में अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है आरंभ बैच। ये बैच शुरू हो रही है हमारी 7 जनवरी से, और इसमें इंटायर कोर्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th विल बी कवर्ड फ्रॉम द बेसिक्स। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे 2022 के लिए आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेन्स एंड एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये बैच है। और ये बैच में शुरू के 2 महीनों में 11th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, बेसिक से लेकर टॉप तक। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आरंभ की बैच ज्वाइन करने के लिए यू विल हैव टू टेक द सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन लेते समय अगर आप यहां पर पवनवाग रिफरल कोड यूज़ करते हैं तो यहां आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो आरंभ की बैच है, ये बैच इतनी कमाल की है कि यहाँ पर जो बच्चा 11th में है वो अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेगा 2 महीनों में, और जो बाकी का सिलेबस है 12th का, वो 2 महीनों के बाद में वो बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा। और एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ मैं कि विनीत लांबा सर और कपिल राणा सर इस बैच को लीड कर रहे हैं, और ये बैच बहुत कमाल की है। तो ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी, सब्सक्रिप्शन लीजिए बाय यूजिंग द रिफरल कोड पवनवाग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवनवाग अकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में क्लास 10th का आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी वाला, जिसमें से इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था और कुछ जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें माइक्रोब्स का यूज किया जाता है और इंडस्ट्रीज में उन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया जाता है, उसको हमने डिस्कस किया था। और नेक्स्ट हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं कि और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे इंडस्ट्रीज में माइक्रोब्स फंजाई का यूज करके प्रोड्यूस किए जाते हैं। अभी तक जो हमने पढ़े थे वो पढ़े थे हम लोगों ने मिल्क प्रोडक्ट्स, प्रोबायोटिक्स थे, चीज थी, योगर्ट था, ये हमने मिल्क प्रोडक्ट्स बने थे पढ़े थे हम लोगों ने। आज जो हम लोग पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं वो है ब्रेड से। ब्रेड भी तो आपका पूरा फंजाई को यूज करके प्रोड्यूस किया जाता है इंडस्ट्रीज में। सो स्टार्ट ब्रेड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फ्लोर ऑफ सीरियल्स। एज वी नो दैट कि ब्रेड्स भी मार्केट में बहुत टाइप की आती हैं। एक पिज्जा वाला बन आता है, पिज्जा का जो बेस होता है वो भी एक टाइप से ब्रेड ही है। एक बन आता है, स्वीट बन जिसे हम बोलते हैं, एक सिंपल ब्रेड आती है जो सैंडविचेस वाली आती है। तो बहुत टाइप की ब्रेड्स आती हैं मार्केट में जो सब के सब सीरियल्स का, जो मतलब गेहूं होते हैं, मैदा होती है, उनके फ्लोर से, आटे से बनाए जाते हैं। डफ इज फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ बेकर्स ईस्ट सैक्रोमाइसिस क्रेविसिस। इसमें क्या करते हैं, वो जो फ्लोर होता है आटा, उसको गूंथ लिया जाता है, डफ बना लिया जाता है, ठीक। और उसमें क्या क्या मिक्स कर, उसमें एक ईस्ट समझते ना फंजाई, जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विसेस, उस डफ में एड की जाती है। वाटर मिलाया जाता है, कुछ कंसंट्रेशन में सॉल्ट मिलाया जाता है, और जो भी अदर मटेरियल्स इन्वॉल्वमेंट है फ्लेवर वगैरह के लिए, टेस्ट वगैरह के लिए, वो फ्लोर में मिक्स कर दिए जाते हैं, और फिर अच्छे से क्या है, डफ तैयार कर लिया जाता है। Now, due to fermentation of carbohydrates by yeast, sugar is converted into carbon dioxide and ethanol. अब उस डफ को आपने घर में भी देखा होगा, मम्मी लोग क्या करती हैं, आटा माड़ा और कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, फूल जाए वो, सुना ही होगा, सबको ही पता है ये चीज। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया, जब उन्होंने वो डफ प्रिपेयर किया तो कुछ टाइम के लिए, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटे, जितना भी उनको टाइम पीरियड उनके हिसाब से, वो लोग क्या करते हैं उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। अब इसमें होता क्या है, उसमें जो फंजाई मिक्स करी थी ईस्ट, वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस करती है, जिसके थ्रू जो शुगर प्रेजेंट होती है उस डफ में वो कार्बन मोनोऑक्साइड और इथेनॉल में चेंज हो जाती है। Now, dough rises up due to carbon dioxide. फिर आप देखते हो ना, वो जो dough सिर्फ इतना सा मला था, वो फूल कितना सा हो जाता है, देखते हैं क्यों हो जाता है, क्योंकि जब fermentation की process हुई तो sugar हमारे carbon dioxide में change हो गई, और carbon dioxide is a gas जिसको release होती रहती है। तो जब उसमें dough इतना था, जब स्टार्टिंग में उसको मला गया था, अब जैसे ही उसमें कार्बन डाई प्रोड्यूस्ड हो गई तो वो थोड़ा सा फूल के ऐसा हो गया, थोड़ा सा स्पंजी हो गया, क्योंकि उस पूरे डफ में क्या है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गई। नाउ कंप्रेस्ड ईस्ट इज यूज्ड इन कमर्शियल बेकरी
इंडस्ट्री, ये जो हमारी ईस्ट है कंप्रेस्ड ईस्ट, ये बेकरी इंडस्ट्री में यूज की जाती है। इट इज अवेलेबल इन ड्राई ग्रैनुलर फॉर्म फॉर डोमेस्टिक यूज। और मार्केट में बात करें तो मार्केट में ड्राई और पाउडरी फॉर्म में आती है, जो हम घर में यूज करते हैं, घर में भी तो यूज कर लेते हैं, कुछ ही प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ईस्ट इज प्रोड्यूस्ड फॉर कमर्शियल यूज, कंटेन्स वेरियस यूजफुल कंटेन्स, जो कमर्शियल बेसिस पर, कमर्शियल बेसिस का मतलब होता है कि मतलब जो हाई लेवल पर इंडस्ट्रीज में जो ईस्ट यूज की जाती है उसमें बहुत सारे कंटेंट मिक्स होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वेरियस विटामिन्स एंड मिनरल्स। एंड ड्यू टू दिस ब्रेड एंड अदर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट बिकम न्यूट्रिटिव। इसलिए अगर इस ईस्ट का यूज करके मार्केट में, इंडस्ट्रीज में कोई भी ब्रेड या अदर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है तो वो उस ईस्ट की फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से या ईस्ट में इतने सारे कंटेंट प्रेजेंट होने की वजह से वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्रेड और प्रोडक्ट काफी न्यूट्रिटिव हो जाते हैं। इंग्रेडिएंट्स लाइक विनेगर, सोया सॉस, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जिसे हम अजोनोमोटो कहते हैं, दैट आर यूज्ड इन प्रेजेंटली पॉपुलर चाइनीज फूड फॉर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। और इसके अलावा काफी सारे चाइनीज फूड आते हैं जिसमें हम लोग विनेगर, सोया सॉस, अजीनोमोटो इन सारी चीजों का यूज करते हैं फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए चाइनीज फूड्स में। और इन सब का जो प्रोडक्शन होता है वो भी हमारे माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के थ्रू ही होता है। अब हम लोग सबसे पहले विनेगर प्रोडक्शन ही पढ़ने वाले हैं। विनेगर जो कि ज्यादातर हमारे कैचअप, जो नूडल्स, पिकल, सॉस इन सब में यूज होता है। विनेगर इज यूज्ड इन ईच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू इम्पार्ट सो टेस्ट टू फूड मटेरियल्स एंड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल, सॉस, कैचअप, चटनी एक्सेट्रा। विनेगर देखिए वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज में क्या है, यूज किया जाता है फूड में टेस्ट लाने के लिए, फूड में टेस्ट लाने के लिए अलग अलग कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड यूज किया जाता है। इसके अलावा जो पिकल्स यानी कि अचार, सॉस, कैचअप, चटनी ये सब होता है ना, मार्केट में आती है, 6 6 महीने, 1 1 साल तक रखी रहती है, इनको प्रिजर्व करने के लिए भी उसमें विनेगर ऐड किया जाता है। केमिकली विनेगर इज 4% एसिटिक एसिड। अगर हम केमिकल फॉर्म में बात करें तो विनेगर एक्चुअली में एसिटिक एसिड होता है 4%, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा CH3COH। इथेनॉल जो कि एक एल्कोहल है, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स लाइक फ्रूट जूसेस, मैपल सिरप, शुगर मोलेसिस, स्टार्च ऑफ द रूट्स विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, सैक्रोमाइसिस, सेरेमाइसिस। सेम एज इट इज हम लोग एल्कोहल की बात करें, इथेनॉल जो प्रोड्यूस करते हैं वाइन वगैरह ये सब चीजें, ये भी हमारे जो कार्बन कंपाउंड्स की फर्मेंटेशन प्रोसेस, फ्रूट जूस से मैपल सिरप, शुगर मोलेसिस या रूट्स में जो स्टार्च प्रेजेंट होती हैं, इनमें जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं इनमें भी ईस्ट को ऐड किया जाता है, सेक्रोमाइसिस, क्रेविसिस, फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल प्रोड्यूस्ड होते हैं। मिक्सचर ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन्स लाइक एसिटोबैक्टर एंड ग्लूकेनोबैक्टर इज मिक्स्ड विद इथेनॉल फॉर इट्स माइक्रोबियल डिग्रेडेशन। अब जब हम लोगों का इथेनॉल जो कि एक एल्कोहल है प्रोड्यूस्ड हो जाता है, उसमें बैक्टीरियल स्ट्रेन लाइक एसिटोबैक्टर एंड ग्लूकेनो बैक्टर मिक्स किया जाता है जब हमारा इथेनॉल प्रिपेयर्ड हो जाता है, क्योंकि इथेनॉल को तो ऐसा है नहीं है कि इंडस्ट्रीज में बनाया और तुरंत 1 महीने में जाके खत्म कर दिया लोगों ने, राइट। वो 6 6 महीने तक रखा रहता है, 6 4 महीने, 1 साल 2 साल तक प्रिजर्व करके रखते हैं। और इतने टाइम पीरियड तक किसी चीज को प्रिजर्व करके रखना, दैट मीन ये बैक्टीरिया का प्रोडक्शन करना, इसीलिए इसमें एसिटोबैक्टर, ग्लूकेनोबैक्टर मिक्स करते हैं ताकि इसमें कोई भी माइक्रोबियल जो माइक्रोब्स हैं वो प्रोड्यूस्ड ना हो। एसिटिक एसिड एंड अदर बाय प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू इट। एसिटिक एसिड इज सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय डिफ्रैक्शन। सेम एज इट इज एसिटिक एसिड और बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं,
जो इसी प्रोसेस से हम लोगों को ये ना बैक्टीरियल जिसमें हम लोग इथेनॉल को, इथेनॉल में जब एसिटोबैक्टर ग्लूकेनोबैक्टर मिक्स करते हैं, ठीक है, प्रिजर्व करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन प्रिजर्व करने के साथ साथ इसमें कुछ और प्रोडक्ट भी बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। अब इस एसिटिक एसिड को इस पूरे इथेनॉल के मिक्सचर से सेपरेट कर लिया जाता है रेयरफैक्शन प्रोसेस के थ्रू। एसिटिक एसिड इज ब्लीच्ड विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। फिर जो हमें एसिटिक एसिड मिला है उसको हम लोग पोटेशियम फेरोसाइनाइड कंपाउंड से ब्लीच कर देते हैं, देन डिस्पेशराइज्ड, फिर उसको पेस्टराइज्ड किया जाता है, पेस्टराइज मतलब बॉइल किया जाता है, एंड फाइनली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ SO2 गैस इज मिक्स्ड टू प्रोड्यूस विनेगर। और फाइनली जब हम पेस्टराइज कर देते हैं तो पेस्टराइज के बाद उस एसिटिक एसिड में स्मॉल क्वांटिटी में जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस है उसको पास आउट किया जाता है। जैसे ही हम इस एसिटिक एसिड में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास आउट करते हैं विनेगर हमें मिल जाता है। एंड सोया सॉस इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ फ्लोर ऑफ व्हीट ऑफ राइस एंड सोयाबीन विद द हेल्प ऑफ द फंगस एस्परजिलस ऑरियस। सेम एज इट हम सोया सॉस की बात करें तो सोया सॉस भी हमारी फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस्ड होती है। इसको क्या करते हैं, जो राइस या फिर व्हीट का फ्लोर लेते हैं, राइस या व्हीट किसी का भी फ्लोर ले सकते हैं, आटा, उसमें सोयाबीन ऐड कर देते हैं, एंड देन सोयाबीन के साथ उसमें एक फंगस को भी ऐड किया जाता है एस्परग्लिस ऑरियस। और जब ये सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं फंगस अपनी फर्मेंटेशन की प्रोसेस करती है और हमें सोया सॉस मिल जाती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन सी चीजों का यूज करके, कौन से माइक्रोब्स का यूज करके कौन सी चीजें प्रोड्यूस्ड होती हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको एक फ्रूट दिख रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या फर्स्ट लिखा है कैफिया अरेबिका फ्रूट, कैफिया अरेबिका। इसमें जो माइक्रोब यूज करते हैं वो है लैक्टोबैसिलस ब्रेविस। इस माइक्रोब का यूज होता है सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम फ्रूट्स। इस फ्रूट में जो सीड्स होंगे ये माइक्रोब उन सीड्स को और फ्रूट को सेपरेट कर देगा और जो हमें सिर्फ प्रोडक्ट मिलता है या बेवर्स मिलता है वो होती है कॉफी। नेक्स्ट जो फ्रूट है वो है थ्रियोब्रोमा कोकिया। इसमें चार माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, कैंडिडा, हैंसनियोला, फीशिया, सेक्रोमाइसिस। रोल सेम है इसका सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम फ्रूट। इसमें भी क्या कर दिया कि इसने सीड्स और फ्रूट को अलग कर दिया और जो हमें बेवर्स मिलता है वो है कोकोआ। थर्ड वन इज ग्रेप्स। इसमें जो माइक्रोब यूज करते हैं वो है आपका सेक्रोमाइसिस सेरेविस। फर्मेंटेशन ऑफ जूस, जो ग्रेप्स होते हैं उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है जिससे वेवर्स तैयार होता है वाइन। एप्पल में माइक्रोब यूज करते हैं सेक्रोमाइसिस सेरेविस, सेम इसमें भी फर्मेंटेशन ऑफ जूस होती है और जो हमारा वेवर्स प्रोड्यूस्ड होता है मिलता है वो है हमारा सिटार। क्लियर? ये कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, माइक्रोब्स के नहीं पूछ लेंगे, प्लस कौन सा वेवर्स हमें मिलता है इसके बारे में पूछ सकते हैं 1 मार्क्स या MCQs में आपके। नेक्स्ट आ जाते हैं माइक्रोबियल एंजाइम्स। अभी तक तो हम लोग माइक्रोब्स पढ़ रहे थे कि डायरेक्ट माइक्रोब्स का यूज कर रहे थे, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे दैट माइक्रोबियल एंजाइम की माइक्रोब्स के एंजाइम्स का यूज करके कैसे हम किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। नाउ अडेड इंस्टीड ऑफ केमिकल कैटलिस्ट माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज इन केमिकल इंडस्ट्रीज। आज के प्रेजेंट टाइमिंग पर बात करें तो केमिकल कैटलिस्ट की जगह हम लोग माइक्रोबियल एंजाइम्स का यूज करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज में। दीज एंजाइम्स आर एक्टिव एट लो टेम्परेचर, pH एंड प्रेशर। अब ये जो माइक्रोबियल एंजाइम्स होते हैं 90% माइक्रोबियल एंजाइम्स लो टेम्परेचर, लो pH और लो प्रेशर पर एक्टिव रहते हैं, एंड ड्यू टू विच एनर्जी इज सेव्ड एंड इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल्सो नॉट नेसेसरी। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं पहले हम लोग केमिकल कैटलिस्ट यूज करते थे
तो उसमें क्या है, पहले केमिकल को प्रोड्यूस करूं जिसमें बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती थी, प्लस फिर जो उस केमिकल को बनाने के लिए जो वेस्ट निकला बनाते समय उसको ऐसे ही फेंक दिया जाता था जिसकी वजह से इरोजन वगैरह हो रहा था, बहुत सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हमें पहले से ही अपने आप ऑलरेडी एंजाइम मिल रहा है विदाउट यूजिंग एनर्जी, एनर्जी सेव्ड हो रही है, प्लस इरोजन प्रूफ है क्योंकि इससे कोई वेस्ट नहीं निकलना, वेस्ट नहीं निकलना तो इधर उधर नहीं फेंकना है तो सॉइल भी इरोजन नहीं हो रहा है। एंड एंजाइम्स कैरी आउट स्पेसिफिक प्रोसेसेस, हेंस अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड ड्यू टू व्हिच एक्सपेंसेस और ऑन प्योरिफिकेशन आर मिनिमाइज्ड। अब यहाँ पर क्या है, जो काम केमिकल कैटलिस्ट किया करते थे किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए वही काम एंजाइम्स कर रहे हैं, लिखा है ना एंजाइम्स कैरी आउट स्पेसिफिक प्रोसेसेस। अब यहाँ पर क्या है, एंजाइम्स हमें बनाने नहीं पड़ रहे, अपने आप हमें मिल रहे हैं, तो इससे कोई हमारा बाय प्रोडक्ट्स भी नहीं बनना, वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अब जब वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो उसको प्योरीफाई करने की भी जरूरत नहीं है, तो कितनी सारी चीजें बच गई। यहीं पर हम केमिकल कैटलिस्ट की बात करें तो केमिकल कैटलिस्ट में वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी जा रही है, प्लस वो फिर भी प्योर नहीं प्रोड्यूस हो रहा, उसमें कुछ मिक्स आ रहा है, पहले उसको प्योरिफिकेशन करो। बहुत सारी चीजें थी जिससे हम लोग बच गए। इन केस ऑफ माइक्रोबियल एंजाइमेटिक रिएक्शंस एलिमिनेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इज अवॉइडेड एंड एंजाइम्स कैन बी रीयूज्ड। माइक्रोबियल एंजाइम्स की वजह से एलिमिनेशन बच गया, डिकम्पोजिशन बच गया कि वेस्ट जितना प्रोड्यूस्ड हुआ है कहाँ फेंके कैसे डिकम्पोज होगा, ये सारे टेंशन से बच गए। एंड देन इस एंजाइम्स का हम लोग रीयूज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक एंजाइम्स ने एक प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करी रिस्पॉन्सिबल हुआ दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल, नहीं ऐसा हो नहीं सकता। एक एंजाइम अगर एक प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होता है तो दोबारा से यूज कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट एंजाइम्स आर इको फ्रेंडली, राइट? वी कैन से दैट एंजाइम्स क्या है, इको फ्रेंडली है। एंड सम एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम्स आर ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलिसिस, लाइसिस, आइसोमेरेसिस, लाइगेसिस एटसेट्रा। द प्रोसेस ऑफ डर्ट रिमूवल अकर्स एट लो टेम्परेचर टू ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ एंजाइम विद डिटर्जेंट्स। हम लोग कपड़े वगैरह धोते हैं, साफ करते हैं, और सोप से, डिटर्जेंट से, वॉशिंग मशीन जो भी आप यूज करते हैं, मतलब वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट यूज हुआ, तो ये डिटर्जेंट क्या है, आप क्या करते हैं कि जैसे वॉशिंग मशीन वालों की बात करते हैं, ऑलमोस्ट सभी के घर में आजकल वॉशिंग मशीन है, तो डिटर्जेंट जब हम लोग उस वाटर में, पहले हम लोगों ने क्या किया कि जो वॉशिंग मशीन थी वॉशिंग मशीन में हम लोगों ने वाटर को ऐड किया, वाटर ऐड करने के बाद हम लोगों ने डिटर्जेंट यूज किया, और डिटर्जेंट को इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर करने के टाइमिंग पर इस डिटर्जेंट में एंजाइम्स कुछ ऐड किए जाते हैं। अब इन एंजाइम्स का काम क्या होता है कि क्लॉथ पर जो भी डर्ट या मर्ड है उसको रिमूव करना एट लो टेम्परेचर। सेम एज इट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज सिरप कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कॉर्न फ्लोर बाय एक्शन ऑफ एंजाइम्स ऑब्टेन फ्रॉम बैसिली एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस। सेम एज इट इज हम लोग बात करें ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज सिरप को भी हम लोग कॉर्न फ्लोर, कॉर्न समझते हैं ना आप लोग जो कॉर्न खाते हैं, उस कॉर्न फ्लोर के से ऑब्टेन किया जाता है। कॉर्न फ्लोर में कुछ एंजाइम्स मिक्स किए जाते हैं लाइक बैसिली एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस, और फिर उसमें एक्शन होता है एंड देन हम लोगों के पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज सिरप प्रोवाइड हो जाता है। माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, तो हम कह सकते हैं कि जो आज की प्रेजेंट टाइमिंग पर है माइक्रोबियल एंजाइम बहुत इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, लाइक चीज इंडस्ट्रीज, प्लांट एक्सट्रैक्ट, टेक्सटाइल, लेदर, पेपर एंड एटसेट्रा। तो देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें मिलती हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स यूज इन वेरियस कमर्शियल प्रोडक्ट्स एंड माइक्रोब्स यूजफुल फॉर द सेम। सबसे पहले बात करते हैं शुगर एंड बीट मोलेसिस अमोनिया सॉल्ट। माइक्रोब यूज करते हैं ब्रेवी बैक्टीरिया एंड कॉर्नियो बैक्टीरिया। अमीनो एसिड में हम लोग एल ग्यूलोटो ग्लूटामिक एसिड यूज करते हैं, यूज है प्रोडक्शन ऑफ अजीनो मोटो।
हम इन सोर्स का यूज करके, इन माइक्रोब और इस अमीनो एसिड का यूज करके हम क्या प्रिपेयर करते हैं? अजीनोमोटो। सेम एज इट इज शुगर मोलिसिस एंड सॉल्ट। माइक्रोब यूज करते हैं एस्परग्लस नाइगर। अमीनो एसिड में सिट्रिक एसिड है। क्या क्या बनाया जाता है? ड्रिंक, टॉफी, चॉकलेट प्रोडक्शन। सोर्स है यहाँ पर ग्लूकोज, कॉर्नस्टार्च लिक्वर। माइक्रोब है एस्परग्लस नाइगर। अमीनो एसिड में ग्लूकोनिक एसिड है। यूज है प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स यूज्ड एज सप्लीमेंट फॉर कैल्शियम एंड आयरन। सोर्स है मोलिसिस, कॉर्नस्टार्च लिक्वर। माइक्रोब है लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी। डेलब्रुकी थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर। अमीनो एसिड में लैक्टिक एसिड है। नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स ऑफ विटामिन। यहाँ पे नेक्स्ट सोर्स है मोलिसिस, कॉर्नस्टार्च लिक्वर। माइक्रोब यूज करते हैं एस्परग्लस आइटोकॉनियस। आइटोकॉनिक एसिड है अमीनो एसिड। पेपर, टेक्सटाइल, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, गम प्रोडक्शन, इन सब चीजों के लिए दीज आर ऑल्सो यूजफुल फॉर योर एग्जाम। यहाँ से आपको सीधे पूछ लेंगे, पहले लिख देंगे अजीनोमोटो कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो यू नो अबाउट द सोर्स माइक्रोब एंड अमीनो एसिड। या फिर ऐसे भी यूज कर सकते हैं आपका कि आपका सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड किस सोर्स को, किस सोर्स में और क्या यूज करने के लिए बनाया जाता है, यूज किया जाता है। माइक्रोब्स का पूछ सकते हैं या सोर्स लिख दिया, अब आपसे पूछ लेंगे इसका माइक्रोब बताइए, अमीनो एसिड बताइए, यूज बताइए। तो अच्छी तरीके से चारों तरफ से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। नाउ व्हाट इज द ज़ैंथन गम दैट इम्पार्ट्स थिकनेस टू योर फेवरेट आइसक्रीम्स, पुडिंग, चॉकलेट्स, मिल्क शेक, चॉकलेट ड्रिंक, इंस्टेंट सूप एटसेट्रा। आप एक बात बताइए, आप लोगों ने कभी सोचा है व्हाट इज ज़ैंथन गम? व्हाट इज ज़ैंथन गम दैट इम्पार्ट्स थिकनेस टू योर फेवरेट आइसक्रीम। आइसक्रीम मतलब थोड़ी सी थिकनेस, पुडिंग, चॉकलेट, मिल्क शेक, चॉकलेट ड्रिंक, इंस्टेंट सूप, थोड़ी सी थिकनेस आती है ना, थोड़ी सी गाढ़ा सा होती है, ये आपके ज़ैंथन गम की वजह से होता है। नाउ व्हाट इज ज़ैंथन गम? दिस गम इज ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च एंड मोलिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल इस गम को प्रोड्यूस करने के लिए स्टार्च और मोलिसिस का के थ्रू फर्मेंटेशन होती है। विद द हेल्प ऑफ ज़ैंथोमोलिसिस स्पीस इट इज वेरियसली यूजफुल ड्यू टू प्रॉपर्टीज लाइक सॉल्युबिलिटी इन हॉट एंड कोल्ड वाटर, हाई डेंसिटी। अब ये जो ज़ैंथम गम है, आई मीन जो स्टार्च एंड मोलिसिस ज़ैंथो हमारे स्पीसीज से, ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ज़ैंथोमन स्पीसीज में एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी होती है कि ये हॉट और कोल्ड वाटर में अच्छे खासा सॉल्यूबल हो जाती है। हाई डेंसिटी है जिसकी वजह से जो ये भी चॉकलेट्स, मिल्क शेक होते हैं इनमें थिकनेस आती है। एंड इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट्स, फर्टिलाइजर्स, वीडिसाइड्स, टेक्सटाइल पिगमेंट, टूथपेस्ट एंड हाई क्वालिटी ऑफ पेपर। इसके अलावा जो बहुत सारे पिगमेंट्स आते हैं, फर्टिलाइजर, वीडिसाइड्स, टेक्सटाइल पिगमेंट, टूथपेस्ट, हाई क्वालिटी ऑफ पेपर, इनको भी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग ज़ैंथोमन स्पीसीज की फर्मेंटेशन प्रोसेस से प्रोड्यूस्ड हुआ ज़ैंथम गम को हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है अदर सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल प्रोसेसिंग एंड देयर रोल्स। सब फर्स्ट ऑफ ऑल सिट्रिक, मैलिक एंड लैक्टिक एसिड टू इम्पार्ट एसिडिटी। इसका रोल क्या होता है एसिडिटी का? ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन प्रोटीन बाइंडिंग है। नियाशीन एंड नेटामाइसिन माइक्रोबियल रिस्ट्रिक्टर है। स्कॉर्बिक एसिड दैट मीन विटामिन सी, विटामिन B12 एंड B2 एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन है। बीटा कैरोटीन, लाइकोपेंसिस, ज़ैंथनीज एंड ल्यूटेन एडिबल कलर्स, कलर प्रोवाइड करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट में। पॉलीसेक्राइड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, एमल्सीफायर्स हैं। वैनिलिन, इथाइल ब्यूटराइड, पेपरमेंट फ्लेवर एसेंस और वेरियस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ये एसेंस के लिए होता है, खुशबू और फ्लेवर के लिए। एंड ज़ाइलिटॉल, एस्पर्टेम आर्टिफिशियल स्वीटनर है, लो कैलोरी। आप बाहर कभी भी जाते हैं तो आपको मीठा मीठा सा लगता है, एक्चुअली में वो चीनी नहीं होती है। और पूरी मिठाइयों की बात करें तो एक भी मिठाई ऐसी नहीं है जिसमें चीनी डाली जाती है, उसमें ज़ाइलिटॉल एंड एस्पर्टेम सब्सटेंस मिक्स किया जाता है जिसकी वजह से आर्टिफिशियल स्वीट्स आती है और लो कैलोरी
वैल्यूज होती है। नेक्स्ट वन इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के बारे में तो आप लोगों ने 8th 9th में भी पढ़ा होगा। एंटीबायोटिक्स क्या होती है? जो किसी भी बैक्टीरिया के बैक्टीरिया को किल करके हमारी बॉडी को उसके हार्मफुल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करती है, दिस इज द एंटीबायोटिक। मैनी डिजीजेस ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स हैव बीन कंट्रोल्ड ड्यू टू एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। आज के प्रेजेंट टाइमिंग पर आपने देखा है कि बहुत सारी डिजीजेस हैं जो कि ह्यूमंस और अदर एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ क्यों कंट्रोल्ड हुई हैं? ड्यू टू एंटीबायोटिक्स जो कि डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया और फंजाई से प्रोड्यूस्ड होती हैं। एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, बैक्टीरिशन, इराइथ्रोमाइसिन, जेनेटोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, वेंट्रोमाइसिन एटसेट्रा, दीज आर ऑल द नेम्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, आर यूज्ड अगेंस्ट वेरियस स्ट्रेन्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के हार्मफुल इफेक्ट के लिए हेल्पफुल है। सेम एज इट इज रेफामाइसिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। एक एंटीबायोटिक आती है रेफामाइसिन जिसको टीबी की बीमारी होती है, ट्यूबरक्लोसिस की, उसके अगेंस्ट डॉक्टर क्या देते हैं, उसको प्रोवाइड करते हैं। नाउ माइक्रोब्स एंड फ्यूज। फर्स्ट है हमारा गैसियस फूल, क्योंकि बहुत सारे हमारे माइक्रोब्स हैं जो कि कहीं ना कहीं हमें फ्यूल भी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैसियस फ्यूल्स की। मीथेन कैन बी ऑब्टेन बाय माइक्रोबियल एंड एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। मीथेन माइक्रो मीथेन बैक्टीरिया होता है जिस जो कि एन एरोबिक डिकम्पोजिशन करता है, कोई भी अर्बन एग्रीकल्चरल या इंडस्ट्रियल वेस्ट है उससे हम उस पर क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करने के लिए मीथेन बैक्टीरिया जो मीथेन रिलीज करता है उसको रिलीज कर दिया जाता है। एन एरोबिक डिकम्पोजिशन करता है, एन एरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है, और अर्बन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वेस्ट को क्या कर देता है, वो डिकम्पोज कर देता है जिससे गैस रिलीज होती है और उस गैस को एज अ फ्यूल यूज करा जा सकता है। सेम एज इट इज इथेनॉल एंड एल्कोहल इज क्लीन फ्यूल ऑब्टेन ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस बाय द ईस्ट सैक्रोमाइसिस। इथेनॉल जो कि एक एल्कोहल है, ये एक स्मोकलेस फ्यूल है। स्मोकलेस फ्यूल जब हम लोग मोलेसिस का यूज फर्मेंटेशन मतलब जो जब हम लोग सैक्रोमाइसिस से फर्मेंटेशन की प्रोसेस करते हैं जो कि हमारा इथेनॉल बनता है, तो उस टाइमिंग पर ये इथेनॉल को हम लोग एक तो अल्कोहल की तरफ भी यूज कर सकते हैं, इसके अलावा फ्यूल की तरफ भी यूज किया जा सकता है। अगर हम लोग पेट्रोल की जगह इथेनॉल यूज करें तो हम लोग ना अपने एनवायरमेंट को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं, क्योंकि स्मोकलेस फ्यूल है, इसमें कोई भी स्मोक नहीं रिलीज होता। थर्ड वन इज हाइड्रोजन गैस इज कंसिडर्ड टू बी द फ्यूल ऑफ नेचर फ्यूचर। सेम एज इट इज हाइड्रोजन गैस है, कहीं ना कहीं हम लोग फ्यूचर में अगर हमारे पास फ्यूल नहीं बचा लाइक पेट्रोल डीजल तो हमें हाइड्रोजन गैस का यूज करना पड़ेगा। हाइड्रोजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग बायो फोटोलिसिस ऑफ वाटर इन विच द बैक्टीरिया परफॉर्म द फोटो डिटेक्शन। बायो फोटोलिसिस ऑफ वाटर की प्रोसेस होती है जिसमें बैक्टीरिया फोटो डिटेक्शन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, उस टाइमिंग पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, कहीं ना कहीं हम इस हाइड्रोजन गैस का यूज एज अ फ्यूल इन फ्यूचर कर सकते हैं। एंड सिमिलर टू फ्यूल्स वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड थ्रू माइक्रोबियल प्रोसेसेस। और देखिए ये तो रही माइक्रोब्स के फ्यूल्स की, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं जो कि माइक्रोबियल प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस्ड कर सकते हैं, लाइक एल्कोहल, एसीटोन, ऑर्गेनिक एसिड, फैटी एसिड्स, पॉलीसेक्राइड्स, जो कि कहीं ना कहीं हमारे केमिकल इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल यूज होते हैं, एंड सम ऑफ दीज आर यूजफुल एज रॉ मटेरियल फॉर प्लास्टिक एंड फूड प्रोडक्ट। और ऐसे तो बहुत और इनमें से बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स भी हैं जो कहीं ना कहीं प्लास्टिक और फूड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए भी यूज होते हैं। ये तो फ्यूल की बात रही और ये केमिकल्स की बात रही कि केमिकल्स का हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं।
वो ये सारे यूजेस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। इसके बाद आपके और भी टॉपिक्स हैं, बायोगैस वगैरह, बायोमास का पूरा टॉपिक है कि किस तरीके से हमारे इस अर्थ पर जो एनर्जी सोर्स है इधर से इधर, इधर से इधर, क्या है पूरा कंटिन्यू एक साइकिल परफॉर्म करता है, जैसे वाटर साइकिल हुई, साइकिल ऑक्सीजन, कार्बन साइकिल, तो ये सारी साइकिल्स भी हैं जो कि हम लोगों को डिटेल में पढ़नी है। लेकिन उसको एक नया टॉपिक है बायोमास वाला, बायोमास वाला एक आपका नया टॉपिक है जो हम अपनी अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे स्टार्ट करेंगे। और मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय टू ऑल एंड थैंक यू।